हेलो दोस्तों, मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाले बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं। झटपट बनने वाला ये नाश्ता आप बच्चों के टिफिन में इजीली रख सकते हो। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं कि सूजी से ये टेस्टी सा नाश्ता कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और पैन में मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल ले लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें एक चम्मच जीरा डाल दिया है और एक चम्मच सौंफ और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने साथ में कोरिएंडर सीड्स जिसको कि हल्का सा क्रश कर लिया है, यानी कि धनिए के बीज, और इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा हम इसको सोते कर लेते हैं और थोड़ी सी हींग भी इसमें ऐड कर देते हैं। चार मीडियम साइज के आलू जिनको कि बॉईल करके मैश कर लिया था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इनको भी इस मसाले के साथ थोड़ा सा सोते कर लेते हैं और कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर हम ऐड करेंगे। अगर अमचूर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। सीजन के हिसाब से इसमें मटर, गाजर भी डाली जा सकती है, प्याज चाहे तो प्याज भी डाल सकते हो। अभी हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है तो 1 टीस्पून सॉल्ट में आप ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो पर ये परफेक्ट रेशो है। और इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेश फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए, एक प्लेट में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब स्टफिंग हाथों से छूने लायक हो जाए तो इसके इस तरह से छोटे छोटे से नींबू के आकार के पोर्शंस बनाकर रेडी कर लें और सारे पोर्शन बनाकर इस तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमको स्टफिंग कवर बनाना है तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो आप कप या कटोरी जो भी मेजरमेंट आप सेट करें उसी से आप पानी नापें। तो 2 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे तो इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक, यानी कि 1 टीस्पून सॉल्ट भी इसमें ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने आधी कटोरी पानी इसमें और ऐड किया है और ये हल्का सा गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने पानी मेज़र किया था उसी कटोरी से मेज़र करके सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी सूजी इस तरह से ऐड कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी डालते जाइएगा और लगातार इसको हमको चलाते रहना है। ऐसे अगर आप ऐड करेंगे तो इससे लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, पानी हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आया है अभी इसमें, इसलिए ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए, अब जैसे ही ये सूजी पूरी ऐड हो गई है तो इसको लगातार हमको जल्दी जल्दी चलाना है जिससे कि लम्स नहीं बने। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सूजी ने बहुत ही जल्दी पानी अब्सॉर्ब कर लिया है और इसको इसी तरह लगातार 1 से 2 मिनट हम चलाते रहेंगे तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सूजी ने परफेक्टली सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है और एक डो के जैसी रेडी हो गई है। और इसको भी हम थोड़ा ठंडा करने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि इसको हम हाथों से छू सकें। अब हाथों में ऑयल लगाकर इसको इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। अब एक रोटी के लोई के बराबर सूजी का पोर्शन तोड़ लीजिए और उसको इस तरह से हाथों की हेल्प से चपटा कर लीजिए। बेसिकली हमको इसमें एक गेप बनाना है। आलू की स्टफिंग को इसके अंदर रख के चारों तरफ से इस तरह से इसको पैक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्रैक्स ना आए, बड़ी अच्छे से इसको आप चिकना कर सकते हो। ऐसा तभी होगा जब जो सूजी है वो हल्की सी गर्म होगी। तो ये प्रोसेस आप फटाफट कर दीजिए और फिर इस तरह से बना के चाहे आप उसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। जल्दी से एक और कचौरी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सूजी के अंदर आलू को कवर कर दिया है और बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। शेप आप अपनी पसंद से कोई भी दे सकते हो। ये देखिए, मैं आपको सिलेंड्रिकल शेप बनाकर दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर हमने सारी टिकिया बनाई है तो इसको वापस हम टिकिया के रूप में चेंज कर लेते हैं। सारी टिकिया या कचौरी आप कह सकते हो, इसी तरह से बनाकर हम रेडी कर लेते हैं।
और आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख दीजिए तो ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती और आपका जब भी मन हो इसको तलकर यूज़ कर सकते हो। और आप चाहें तो किटी पार्टी के लिए भी इस तरह से तैयार कर रख सकते हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार करके रख सकते हो। अभी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से गर्म है और अब जितनी टिकिया इसमें आती है उतना मैं इसमें डाल देती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको हमको हाई मीडियम फ्लेम पर ही तलना है और इसको हम हल्का बादामी होने तक तलेंगे। इसको आप लो फ्लेम पर नहीं तलेंगे, हमेशा इसको हाई मीडियम फ्लेम पर ही तलें और इसको तलने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट में जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी हो गई हैं ये, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही फूली फूली और मज़ेदार दिख रही है, पर अभी काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए दोस्तों, सूजी का बहुत ही झटपट टेस्टी कुरकुरा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको सूजी की कचौरी भी बोल सकते हो, सूजी की टिकिया भी बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप इसका नाम रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।